सिवनी मालवा में मौसम में हो रहे बदलाव के चलते अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी लाइन लग रही है। सिवनी मालवा के भीमराव अंबेडकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार दोपहर एक और मरीज लंबी लंबी लाइन में लगे उपचार के लिए अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। वही दूसरी ओर बीएमओ सहित अस्पताल के चिकित्सक निरीक्षण करने आई एनक्यूएएस की टीम को चाय नाश्ता कराने में व्यस्त थे। मौसम बदलने के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन 300 से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें अधिकांश मरीज बुखार, सर्दी, जुकाम सहित पेट दर्द के आ रहे हैं। लेकिन अस्पताल में सिर्फ एक चिकित्सक मरीजों का उपचार कर रहे थे, बाकी चिकित्सक बीएमओ के चेंबर में बैठे एनक्यूएएस टीम को चाय नाश्ता करवाते दिखे। इस बारे में जब बीएमओ जयसी कुशवाहा से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक एनक्यूएएस की टीम अस्पताल का निरीक्षण करने आई है, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बुलवाओ तभी मरीजों का उपचार हो पाएगा, बाहर से टीम आई है तो उनका स्वागत तो करना पड़ेगा। वही मरीज प्रीतम पुरी ने बताया कि मेरे हाथ पैर में चोट लगी है, 3 घंटे से लाइन में लगे हैं, सिर्फ एक डॉक्टर बैठे हैं पर अभी तक नंबर नहीं आ पाया है। वही अपने पुत्र को डॉक्टर को दिखाने आए अनिल पवार ने बताया कि अस्पताल में इतनी भीड़ है पर सिर्फ एक डॉक्टर बैठे हुए है, बाकी सब बीएमओ के कमरे में बैठे हुए है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों एनक्यूएएस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, ताकि बेहतर प्रदर्शन करने वाली सुविधाओं को पहचानने के साथ साथ समुदाय के सार्वजनिक अस्पतालों की विश्वसनीयता में सुधार आ सके। परंतु सिवनी मालवा में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो या ना हो पर मरीज जरूर परेशान हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल पवार। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? इतनी भीड़ लगी हुई है, डॉक्टर एक नहीं, एक डॉक्टर चौबे जी है बेचारे, वो कहाँ तक वो हो, सब पब्लिक इतनी परेशान है, मरीज इतना परेशान है, कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं है, चौबे जी है, भीड़ लगी है, ये सब बेचारे परेशान है, वो टेडी से परेशान है। अभी और डॉक्टर आप गए थे, क्या कर रहे हैं, क्या हुआ है? कोई नहीं, एक डॉक्टर साहब कौन भरता से आए, वो बैठे है बीओ में, कौन साहब, बाकी यहाँ कोई नहीं है, सब जनता परेशान है। क्या नाम है आपका? प्रीतमपुरी। कितने घंटे से करें आप? 3 घंटे हो। अच्छा सर, कितने डॉक्टर हैं अंदर? एक डॉक्टर बैठा। ठीक है, क्या परेशानी आ रही है? अरे पैर में लगी, हाथ में लगी है, दर्द हो रहा है। तो 3 घंटे से नंबर नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, 2 घंटे वहाँ खड़े रहे, 3 घंटे, 1 घंटे जहाँ हो। सर किस प्रकार की पार्टी कर रही थी? पार्टी नहीं चल रही, बाहर से टीम आई है, एनक्वास का असिस्टेंट होना आपके सी एस सी का है ना, उनका चाय नाश्ता करा। सर वीकेंड है, उसके बाद अस्पताल शनिवार इतवार भी बन जाएगा, भीड़ इतनी ज्यादा है, मरीज पेशेंट देख रहे हैं, डॉक्टर नहीं यहाँ पे, डॉक्टर नहीं, अब डॉक्टर की डिमांड करके डॉक्टर बुलवाओ ना, बोलते बोल रहा हूँ डॉक्टर कमी में से ही है, अब एक डॉक्टर की ड्यूटी, जब जिसकी ड्यूटी वो पेशेंट देखते हैं। मेहमानों की आओ ज्यादा जरूरी है कि मरीज को देखना जरूरी है, इसका राष्ट्रीय स्तर पर एनएल होना समझ, कोई भी आए पहले आप मरीज, आप उनसे ये बोल, सुनिए पेशेंट देखने वाले 2 मैडम भी देख रही, सर डॉक्टर जी चौबे देख रहे हैं, डॉक्टर पूनम मैडम देख रही है, 2 डॉक्टर बैठे हैं, आप जितने डॉक्टर हो सब पेशेंट देख रहे हैं, अभी तक तो एक डॉक्टर बैठे, मैं पूनम मैडम बैठी हुई है, अब ये अभी क्या जो टीम आई है, हर विभाग का निरीक्षण किया उन्होंने, अब एमसीएच में किया तो वहाँ पूनम मैडम को बुलाना ही पड़ेगा ना, आपको जानकारी देना पड़ेगा, सब काम जरूरी है, पेशेंट देखना जरूरी है, बाहर से टीम अगर आएगी तो उनका स्वागत करना पड़ेगा, और उनका वक्त क्या कर रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, उनको बताना तो पड़ेगा ना कल की स्थिति।